खान फिर लौटा कोरोना। भारत में भी ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। चीन में BF.7 बड़ी तेजी से पसार रहा अपने पैर। क्या ये भारत में भी चीन के जितना खतरनाक होगा साबित? दुनिया भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर बरपाने को तैयार है। चीन में BF.7 के नए वेरिएंट बड़ी तेजी से अपना पैर पसार रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भारत में भी इस नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्या ये भारत के लिए भी उतना ही खतरनाक साबित होने वाला है। इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और इससे हमें किस प्रकार से पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार अदिति। सर जैसे कि अभी ये नया वेरिएंट एंट्री हुई है तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो पहले दो लहर और आई है कोरोना की तो उसके मुताबिक ये कितना ज़्यादा खतरनाक है और हमें इससे पहले से किस प्रकार से प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए अदिति, दो तीन चीज़ें आपने कही हैं, मैं क्लैरिफिकेशन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो नए वेरिएंट की बात की जा रही, जब तक सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा वेरिएंट है। दूसरी बात यह है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय जीन्स में और भारतीयों में इस वेरिएंट का मात्रा कितनी है, कितना परसेंटेज है और कितना खतरनाक साबित होगा, इसकी स्टडी अभी होना बाकी है। जैसा कि हमने पहली, दूसरी और तीसरी लहर में देखा, विश्व में जो जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे आए वो भारतीयों में भिन्न प्रकार से असर डाल रहे थे और लक्षण भी बहुत भिन्न प्रकार के थे। तो अभी से अनुमान लगाना कितना भयावह होगा, तीव्रता कितनी होगी, ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। तीसरी बात ये कि अभी केवल हम लोग समझ रहे हैं कि एक और लहर आएगी, लेकिन ऐसी बात अभी नहीं है क्योंकि हमें पूरी सावधानी बरतनी है और टेस्टिंग की संख्या जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वास्तव में कोविड संक्रमण है या नहीं। जैसे कि सर इसके हम आपको थोड़ा लक्षण अगर आपको पता हो, जैसे कि लक्षण किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के सिम्टम्स होंगे, ताकि अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी आए तो हमें उस प्रकार से किस तरह से पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए भारतीयों में इस प्रकार के वेरिएंट के लक्षण भिन्न होंगे ऐसा अनुमान किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय आबादी बूस्टर डोज से बहुत ज़्यादा 25% के आसपास आबादी को बूस्टर डोज लग चुकी है, वैक्सीनेटेड है 98% के आसपास की आबादी। तो ये वेरिएंट भारतीयों में जो बहुत पूर्णतः वैक्सीनेटेड हैं और हमारा जीन्स और दूसरे भिन्न प्रकार के लक्षण या फिर वातावरण बहुत अलग है तो ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन मुख्यतः श्वसन तंत्र से इस वायरस की एंट्री होती है तो नाक और छाती के लक्षण ज़्यादा आने की संभावना है और उसके कारण बुखार, मांसपेशियों में तनाव, ऐसी लक्षण आएंगे। लेकिन फिर भी यह बता पाना अभी पूर्णतः सुरक्षित नहीं होगा कि किस प्रकार के लक्षण आएंगे, लेकिन सामान्य बुखार जैसे लक्षण आने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कि आपने बताया कि ये सब लक्षण हो सकते हैं, तो अगर ये सब लक्षण दिखे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी टेस्टिंग करवानी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग की सुविधा बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने की ज़रूरत है एक अभियान की तरह। और जब हम पॉजिटिव आ जाएं तो आइसोलेशन रखना है, टेस्ट कराने के बाद तुरंत आइसोलेशन में चले जाना है। वर्तमान में सावधानी ये होगी कि बूस्टर डोज यदि अभी अभियान की तरह शुरू किया जाए तो हाई रिस्क पॉपुलेशन, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अधिक उम्र के मरीज हैं, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, किसी प्रकार की दवाई चल रही है, वो सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो स्वास्थ्य सुविधाओं में लगे हुए हैं या ऐसे लोग प्रशासन के अंग जिन्हें भीड़ भरे इलाके में रहने की ड्यूटी है वो सबसे पहले वैक्सीन लगाएं, ताकि ये आबादी अगले 4 से 8 हफ्ते में इम्यून हो सके। उसके बाद टेस्टिंग बढ़ाने के बाद जिनको भी सामान्य प्रकार के लक्षण आते हैं, जो सामान्य बुखार में नहीं आते, उनको टेस्टिंग कराने से हमें पता चलेगा कि कितनी आबादी संक्रमित होने जा रही है अगले 4 से 6 हफ्ते में। ये दो सावधानियां रखेंगे, भीड़ भरे इलाकों में ना जाने की और हाथ धोने के अनुशासन की, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों की संभावना भारतीय परिप्रेक्ष्य में खत्म हो जाएगी। सर हम मास्क की बात करें तो मास्क और सैनिटाइज़र जैसे हमें अभी से यूज़ कर लेना चाहिए, तो आप हमें ये बताएं कि कौन सा मास्क मतलब ऐसा है जो सस्ता भी पड़े और हम डेली उसे यूज़ भी कर सकते हैं, अच्छा मास्क है?
देखिए, जो ट्रिपल लेयर मास्क है वो तो नॉन हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, जो लोग सामान्य उसमें हैं, वो करना चाहिए। लेकिन N95 मास्क अभी भारतीय बाजारों में बहुत अच्छा उपलब्ध है, इकोनॉमिकल भी है, सस्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन उसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को यूज़ करना चाहिए। भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं और मास्क लगाएं सामान्य प्रकार का, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ी सावधानी होगी। हाथ धोने का अनुशासन मुझे लगता है कि एक अतिरिक्त तो सावधानी है। तो ये तीन सावधानियां यदि हो जाएंगी तो हम बहुत बड़ी आबादी को संक्रमित होने से बचा पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको बुखार या दूसरे असामान्य लक्षण होते हैं तो टेस्टिंग कराना है। और बूस्टर वैक्सीनेशन, जैसे मैंने कहा, एक बड़ी आबादी को लगने की ज़रूरत है। अब नेजल वैक्सीन भी भारतीय बाजारों में उपलब्ध है, तो वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार हमें तुरंत अभियान के रूप में इसे शुरू करना होगा। सर, खान पीन की बात करें तो कैसे प्रकार का खान पान हमें रखना चाहिए? देखिए, सामान्यतः हमें अच्छा भोजन तो कहते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, पानी की मात्रा खूब अच्छी हो, हरी सब्जियां, दालें खाएं, फलों का सेवन करें, और साफ भोजन, ताज़ा पका हुआ भोजन सबसे अच्छा होता है, और गर्म भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठंडा भोजन और बासी खाना ना खाएं, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हल्की एक्सरसाइज करें। और जो बच्चे पहले से कोई दवाएं ले रहे हैं या बुज़ुर्ग किसी प्रकार की बीमारी का शिकार हैं तो उनको भीड़ भरे इलाकों में ना ले जाएं, आइसोलेटेड रखें, और पूर्ण सावधानी के साथ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करवाएं, यही सावधानी है। सर, वैक्सीन की बात करें तो जो लोग वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाए हैं या फिर जो डोज लगवा चुके हैं लेकिन बूस्टर डोज नहीं लगवाए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन तो मुझे लगता है कि सब लोगों को लगा लेना चाहिए, और जिन लोगों ने नहीं लगाए वो अपने स्वास्थ्य के प्रति आपराधिक लापरवाही बरत रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो बूस्टर वैक्सीनेशन का अभियान धीमा पड़ गया, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो पॉलिसी बनाते हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही का शिकार हो गया, हम अति निश्चितता के शिकार हो गए। हमें बूस्टर वैक्सीनेशन को बहुत सावधानी से अभियान के रूप में बदलने की ज़रूरत है। सामाजिक संस्थाओं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जनप्रतिनिधियों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सर, क्या ये वेरिएंट हाहाकार मचा सकता है? देखिए, किसी प्रकार के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें युद्ध लड़ने की तैयारी करनी है तो पूरी तरह से पूरा स्वास्थ्य महकमा तैयार है, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी सचेत हैं। जो पर्याप्त सावधानी बरतनी है वो आज उसकी मॉक ड्रिल हो रही है, दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हम पहली सावधानी के तौर पर सामाजिक गाइडलाइन का पालन करें, टेस्टिंग बढ़ाएं और बूस्टर वैक्सीनेशन की तैयारी करें, और जब केसेस की संख्या इन सावधानियों के बावजूद बढ़ने लगेगी तब और अगली तैयारी की ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जो विदेश से आने वाले यात्रियों को, उनको 100% RT-PCR कंपलसरी कर देना चाहिए। सर, ये जो पहले से एक बार संक्रमित हो चुके हैं कोविड, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कोविड संक्रमण से निकल चुके हैं और अति तीव्र कोविड संक्रमण में जो मरीज थे, उनको किसी न किसी प्रकार के लक्षण हैं, उनको बूस्टर वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं, और ऐसे मरीज जो इनको पहले से बीमारी थे, कोविड संक्रमित हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो परिवार में यदि रह रहे हैं तो कोविड संक्रमण अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से उनको आ सकता है। इसलिए अतिरिक्त सावधानी मुझे लगता है कि अगले 4 से 6 हफ्तों में पूरे भारतीयों को रखनी पड़ेगी, ताकि किसी प्रकार के तीव्र लहर के आने की स्थिति में हमारे वो मरीज जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो शिकार ना होने पाएं। इस आबादी को बताने की ज़रूरत है। सर, हमारी ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, भारत देश में लहर के आने की संभावना व्यक्त की गई है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं, हाथ धोने का अनुशासन बरतें, और वैक्सीनेशन का अभियान जब भी शुरू हो हमें पूरी सामाजिक वेग से इसको पूरा कराना है, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ और भारत देश सुरक्षित रहे। तो जैसे कि हमें सर ने बताया कि इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि आप बराबर सावधानी रखें, हाथ टाइम टाइम पे धोएं और सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।